2041 का असम कैसा होगा? आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपरा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 2041 का असम कैसा होगा? आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपरा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 2041 का असम कैसा होगा? आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपरा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है।